स्पीड गाइस आप देख सकते हैं, हमारी स्पीड 70 के आसपास जा रही है, हमारे सामने जा रही है, अच्छी लग रही है, ब्लू कलर की है। और हाँ, मेरा फेवरेट कलर भी ब्लू चलने वाले हैं, क्योंकि उधर सिटी है, बाईपास से ज़्यादा हमको आसान पड़ेगा। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सुबह हो रहा है, जस्ट आप देख सकते हैं धूप निकल रही है। तो हाँ गाइस, अभी हम लोग चलने वाले हैं फिर से एक मोटो ब्लॉगिंग की तरफ से। और जैसा कि मैं ट्राई करता हूँ बार बार, तो आज फिर से ट्राई करने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ मोटो ब्लॉगिंग कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं गाइस आपको बाइक पर। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट, जैसा कि आज मैं आपको आगे अभी पता चल जाएगा वीडियो में। तो हाँ गाइस, फिर से मोटो ब्लॉगिंग ट्राई कर रहे हैं। अब मोटो ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है हमारा, क्योंकि अगली वाली वीडियो क्या थी, अच्छा बन गया था। तो हाँ गाइस, आप लोग कैसे हो ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी तो गाइस शाम हो रही है, शाम की लगभग 4 बजे से बज चुका है, तो सूरज इधर आ चुका है पूरब से जस्ट पश्चिम की ओर। ठीक है, तो हम लोग स्पीड में चलते हैं। जो फेस वैल्यू वीडियो बनाते हैं उनसे हमको कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है ही मोटो ब्लॉगिंग में। तो मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप मैं आपको अगली वीडियो में, जैसा कि मैं काफ़ी देर से बता रहा था कि मैं ये फ़ोन से वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इस फ़ोन को शूट करने में मैं हूँ और ये अमित की बाइक है और अमित पीछे बैठा हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारी तो सुपर स्प्लेंडर बाइक है और अमित की ये स्प्लेंडर बाइक है। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं कहीं मार्केट में, अभी तो कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो हाँ गाइस, जहाँ भी जाने वाले हैं आपको आगे रियली पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, ये आउट एरिया है, मतलब दिन तो प्रयागराज का टूर था आज को। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई मर्सरीज, ओ भाई मर्सरीज जाती है भाई, देखो मतलब वाट। मजा आ रहा है भाई वीडियो बनाने में। तभी ना, काफी दिन ट्राई करने के बाद ही आज ये मतलब मुकाम हासिल हुआ है कि मैं तो कई कई बार मतलब कि 10-10, 20-20 मिनट का वीडियो बनाया हूँ, उसमें क्या हुआ कि कभी वॉइस नहीं आई, तो कभी वीडियो क्वालिटी नहीं आई, तो कभी क्या हुआ, कई सारी प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो हाँ गाइस, कुछ देर बाद मतलब हाँ ये है कि प्रॉपर तरीके से लगा रहा मैं, तो हाँ थोड़ा बहुत सही बना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा एग्जैक्ट ही सही है, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि ज़्यादा ही वीडियो ख़राब बनती थी, अब उतना ज़्यादा ख़राब नहीं बनती है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को कैसा लगता है वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. लेकिन एक ना एक दिन हम लोग घुमक्कड़ प्रयाग सर से मिलेंगे और उनके साथ में वीडियो बनाऊंगा, उनके साथ में ही वीडियो बनाऊंगा, बस कुछ दिन की बात है। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. कुछ सब्सक्राइबर हमारे बढ़ जाएं, उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं घुमक्कड़ प्रयागी से मिलेंगे और मनोज सर से मिलेंगे, कई काफ़ी सारे यूट्यूबर से मिलने वाले हैं। बट हाँ, क्या है कि अभी पहले खुद कुछ थोड़ा बहुत कामयाब हो जाऊं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे। देखो बलेनो हमारे सामने जा रही है, अच्छी लग रही है, ब्लू कलर की है और हाँ मेरा फेवरेट कलर भी ब्लू है यार। तो आप लोग बताना कि हमारी आवाज़ और वॉइस आपको प्रॉपर तरीके से जा रही है कि नहीं जा रही है, क्योंकि गाइस वॉइस की ही प्रॉब्लम आती है मोटो ब्लॉगिंग में। और क्योंकि हमारा गोप्रो तो है नहीं, इसको क्रॉस करते हैं पहले यार। भाई
मजा आ रहा है भाई ब्लॉगिंग करने में। स्पीड गाइस आप देख सकते हैं हमारी स्पीड 70 के आसपास जा रही है। हम लोग बाईपास से चलने वाले हैं क्योंकि उधर सिटी है, बाईपास से ज़्यादा हमको आसान पड़ने वाला है ये। बाईपास से जाने में मज़ा ही कुछ अलग है यार। आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली ब्लॉग डालने की बट क्या है कि नहीं हो पा रहा क्योंकि गाइस मेरी पढ़ाई भी चल रही है। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।